नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट देखते हैं क्या होता है, डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट की। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस स्लैश नॉन अकरेंस ऑफ वन ऑफ इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस स्लैश नॉन अकरेंस ऑफ द अनदर इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट दो कब होंगे, जब एक के होने का दूसरे के होने पर कोई फर्क ना पड़े, तब उन दोनों इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कॉइन टॉस करता हूँ, ठीक है, यहाँ एक कॉइन टॉस किया, उसमें हेड या टेल आया, अगर अमेरिका जाऊं या कहीं और जाऊं बाहर जाकर के मैं एक डाइस को रोल कर देता हूँ, तो डाइस पर 1 2 3 4 5 6 आने वाला है। तो यहाँ पर कॉइन टॉस हुआ, उस हेड आए या टेल आए, इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि अगर मैं कहीं और जाकर के डाइस को रोल करूं और उसमें 1 2 3 4 5 6 आए। ये दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इस इवेंट का उस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला दोनों की प्रोबेबिलिटी पर एक दूसरे का। तो जैसे हम एक लिखते हैं क्वेश्चन, टॉसिंग ए कॉइन एंड रोलिंग ए डाइस, लिखो टॉसिंग ए कॉइन एंड रोलिंग ए डाइस, देन गेटिंग 6 ऑन डाइस एंड हेड ऑन ए कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या है। हमने एक कॉइन को टॉस किया, डाइस को रोल किया, तो डाइस पर हमारा 6 आना चाहिए और कॉइन पर हमारा हेड आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि देखो अगर यहाँ कोई काम होता है, यहाँ पर मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2 है। अब दूसरी तरफ मैं देखूं कहीं और जाकर के डाइस को रोल कर दिया हमने और उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी हम देख चुके हैं, वो 1/6 है। लेकिन इन दोनों कामों के साइमल्टेनियसली होने के चांसेस तो और भी कम होने वाले हैं। ये लॉ मल्टीप्लीकेशन है कि अगर सिर्फ यहाँ पर कॉइन टॉस करें और कोई इवेंट बीच में ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है, वहां जाकर के कहीं हम डाइस को रोल करें और उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, वो भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों काम होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसके चांसेस तो दोनों के कम होंगे, ठीक है। वो क्या है, मेरा कहने का मतलब है अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि मेरा काम ये भी हो जिस पर मैंने यहाँ एक कॉइन को टॉस किया, उस पर हेड भी आए और बाहर जाकर कहीं देखे उस पर डाइस पर 6 भी आए, तो ये भी हो, ये दोनों हो इवेंट एक साथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारी पी ए इंटू पी बी, वो कम हो जाएगी पहले से, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इवेंट्स हैं आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक के होने का दूसरे के होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उस केस में हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी आने वाली है। अच्छा देखते हैं इसको, अगर हमारे पास मैंने क्या किया था, एक कॉइन को टॉस किया था, तो कॉइन को टॉस करने पर उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी और साथ ही मुझे उस डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो वो क्या होंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरी थी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इसका आंसर है 1/12। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए हम ऐसा कर पाए, जब भी हमारे पास कोई इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उस केस में उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट होने वाली है। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हाफ है हेड आने की, हाफ है टेल आने की, इसी तरह मैं जाकर के किसी और स्टेट में चला जाऊं, वहां जाकर के मैंने एक डाइस को रोल किया, उस पर मैंने देखा कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। अब इसी केस को आगे ले लूं कि यहां अमेरिका में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तीनों इवेंट अगर एक साथ करवाने हैं तो वो तीनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी और भी कम होने वाली है, तो इनको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा देखते हैं क्या है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी कि यहां पर मैं कॉइन टॉस करूं उसमें हेड आए, 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद है कि अगर उस डाइस को भी रोल किया जाए और उस पर 6 आए तो वो है 1/6। इसके साथ साथ अमेरिका में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस टाइम बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है कितनी, जो मान लेते हैं 6/7 है, इतनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा इसके साथ कह दें कि किसी जगह भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी और भी छोटी है, भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी मैं मान लेता हूँ 1/10^3 है। तो इन सभी कामों के अलग अलग होने के प्रोबेबिलिटीज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इन सबको एक साथ अगर कराना है
तो मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या कहता है कि अगर अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का कोई इफेक्ट ना पड़े उन पर, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को प्रोडक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी एक साथ इन चारों के होने की हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका, इंडिपेंडेंट इवेंट में पॉइंट देखते हैं कि दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कब कहेंगे। ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इवेंट्स इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ जाए। दो इवेंट्स अगर देखो, हमने ये कहा था कि अगर दो इवेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं तो P of A intersection B P A into P B है, लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर P of A intersection B की वैल्यू P A into P B हो तो इंडिपेंडेंट होंगे वो दोनों इवेंट। ये इफ एंड ओनली इफ, इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। तो अगर हमें ये प्रूव करना हो कि कोई दो इवेंट हमें गिवन है और हमें बताना है क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो P of A intersection B के इक्वल आ जाए, हाँ, तो दोनों के दोनों जो इवेंट होंगे हमारे वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ वी हैव थ्रोन 100 हेड्स इन 100 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, हमने क्या किया, एक कॉइन को 100 बार उछाल दिया और उस पर 100 के 100 बार हेड आया, ठीक है। If we have thrown 100 heads in 100 tosses of a coin, then the probability of head in 101th throw will be कितनी होगी। देखो मैंने क्या किया है, एक कॉइन को 100 बार उछाला, उस पर 100 के 100 बार हेड आया था, लेकिन इसका क्या लेना देना इस बात से कि मैं उसे 101 बार उछालूंगा तो फिर से हेड आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगर ऐसा होता कि सब पर हेड आने की पॉसिबिलिटी बतानी है तो हम क्या करते, उनका प्रोडक्ट करते। हमें ये नहीं बोला कि उन सब पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 101 बार हेड एक साथ आए, तो हमें 101 बार हेड नहीं लाना, इसीलिए मैंने इनका प्रोडक्ट नहीं किया जैसा इसमें मैंने ऊपर प्रोडक्ट कर दिया था। ये कब है, जब ये साइमल्टेनियसली हो, लेकिन हमें यहां गिवन था इस क्वेश्चन में कि 101 में से 100 बार पहले ही हेड आ चुका है, तो हेड आ चुका है तो उनको हमने काउंट क्यों करें, हमें देखना है कि हमारे पास 101वीं बार हेड आए उसकी पॉसिबिलिटी 1/2, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल पी। हमें गिवन है ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी इफ ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सेकंड है ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमें दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में हमें स्मॉल पी की वैल्यू बतानी है, देखते हैं कैसे करते हैं। हमें इतना पता है कि हमारे पास P of A यूनियन B का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है PA प्लस PB माइनस P of A इंटरसेक्शन B, ठीक है। फर्स्ट केस में हमें PA हमें हर बार दिया है, PA यूनियन हमें गिवन है, PB हमें गिवन है, P of A इंटरसेक्शन B हमें गिवन नहीं है, और दोनों कंडीशंस में PA इंटरसेक्शन B की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे फर्स्ट केस में करूं तो फर्स्ट केस में क्या है, A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में क्या होता है, P of A इंटरसेक्शन B 0 होता है, क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो P of A यूनियन B A इंटरसेक्शन B 0 है, वो यहां पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, P of A यूनियन B वो है हमारा 3/5 इक्वल टू P of A 1/2 प्लस P of B वो है स्मॉल p, तो यहां से P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सेकेंड केस है हमारा A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में जानते हैं कि P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू P of A into P of B होने वाली है, ठीक है। तो वो चीज इस
इक्वेशन में वापस से पुट कर देते हैं तो क्या होगा, जो है हमारे पास 3/5 इज इक्वल टू पी ए, पी ए हमारे पास 1/2 प्लस पी बी, पी बी हमारे पास स्मॉल पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इंडिपेंडेंट के केस में हम देख चुके पी ए इंटू पी बी है वो, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू पी। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी हम पी की वैल्यू अलग अलग केसेस में बता सकते हैं। तो दोनों केसेस में मेरी पी की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, और ये इंडिपेंडेंट का केस याद रहे, जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी आएगी, और अगर पी ए इंटू पी बी प्रोडक्ट करने के बाद वो पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट भी है, कन्वर्स ट्रू है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट ये गिवन है हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि पी ऑफ ए की वैल्यू है पी इज इक्वल टू 0.3, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसमें फर्स्ट पार्ट है पी ए एंड बी, सेकेंड पार्ट है पी ए एंड नॉट बी, थर्ड पार्ट है पी ए और बी, और फोर्थ पार्ट है पी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो और ना ही बी हो। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं इन सब की, देखते हैं क्या होने वाला है। ये गिवन है हमें कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना। ए और बी अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इसका क्या मतलब है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास पी ए इंटू पी बी होने वाली है, ठीक है। अब हमें पी ऑफ ए एंड बी बताना है, पी ऑफ ए एंड बी फर्स्ट पार्ट वही है हमारा, पी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, और यूनियन का मतलब और होता है, ठीक है। और लिखा हो तो हम यूनियन पढ़ते हैं उसे, और एंड लिखा हो तो हम उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास पी ए इंटू पी बी है, जो हमें बताना था फर्स्ट पार्ट में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया वन पी ए इंटू पी बी, जो है हमारा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो यह आ गया 0.18 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड है हमारा पी ए एंड नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी इसका मतलब है ए तो हो लेकिन बी ना हो, बी के ऊपर नॉट लगा दिया, तो दोनों तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन को अभी भी सेटिस्फाई करेंगे, तो ये क्या होगा पी ए इंटू पी ऑफ बी नॉट। पी बी नॉट का मतलब क्या है, पी बी नॉट का मतलब है पी ए तो हमारे पास चलो हमें पता है 0.3 है, 0.3 पी बी नॉट, बी नॉट हम निकाल सकते हैं 1 पी ऑफ बी से, ये कितना होगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी बी, वो 0.6 है तो माइनस करेंगे तो 0.4, ये होगा 0.12 प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड पार्ट है हमारा पी ए और बी, और बी का मतलब है यूनियन निकालना है पी ए और बी, और यूनियन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये लगा दिया हमारे पास पी ए है 0.3, पी बी है 0.6 माइनस 0.3 इंटू 0.6, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट थे तो ऊपर से मैं वैल्यू ले सकता हूं, यहां से ये आएगा हमारा 0.9 माइनस 0.18, तो ये हमारा जाएगा 0.72 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फोर्थ पार्ट है नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो और ना ही बी हो, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की, और डी मॉर्गन लॉ जानते हैं ना, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनियन बी नॉट के इक्वल होती है। और प्रोबेबिलिटी लॉ क्या कहता है कि किसी ए नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 पी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट, किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट हो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो पी ए की वैल्यू 1 पी ए नॉट, तो वही है ये पी ए नॉट की वैल्यू 1 पी ए, तो ए यूनियन बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है 0.72, 1 - 0.72 वो आ जाएगा हमारा 0.28, दिख गया ठीक है 0.28।